हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज उदयपुर एपिसोड 3 में हम आपको सिटी पैलेस दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिटी पैलेस में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और कौन सी फन एक्टिविटीज़ की। जैसा कि आप सबने उदयपुर एपिसोड 2 में देखा ही था, जगदीश टेंपल और उसकी आसपास की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करके हम आ गए सिटी पैलेस। ये है बड़ी पोल गेट, ये सिटी पैलेस का मेन गेट है। इसके पास ही टिकट काउंटर है जिससे हमने एंट्री के लिए टिकट खरीदी। हमने 30 रुपीज़ पर पर्सन के लिए पे किया है। ये टिकट हमने सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए ली है। हमने टिकट लिया और चल दिए सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने। सिटी पैलेस अपने इतिहास, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से देख लो या लोकल गाइड कर लो। हमने खुद से देखना प्रेफर किया। सिटी पैलेस फुल वीक ओपन रहता है और इसके टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 5:30 तक। सिटी पैलेस में एंट्री के चार्जेस हैं 30 रुपीज़, और अगर आपको फुल एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपको पर अडल्ट 300 रुपीज़ पे करना होता है। और अगर आप अपनी कार से आए हैं तो अंदर पार्किंग की भी फैसिलिटी है। सिटी पैलेस को राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था और इसको बनाने में कुल 400 वर्ष लगे थे। वाओ, कितना अमेजिंग व्यू है। तो हम आगे बढ़ते हैं तोरण पोल की तरफ। तोरण पोल से आगे बढ़ते हुए हम आ गए मोती चौक की तरफ। मोती चौक से बाईं तरफ है जनाना महल। जनाना महल यानी रानी का महल। रानी महल में आज भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और यहाँ पर शाही शादियाँ भी संपन्न की जाती हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए गणेश चौक की तरफ। यहाँ पर खाने पीने की भी फैसिलिटी है जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। गणेश चौक की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दिखी टाइमलाइंस ऑफ महाराणा ऑफ मेवाड़, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ रूलर्स के बारे में बताया गया है। इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री को पढ़कर हम चल दिए गणेश चौक की ओर। गणेश चौक में विजिटर्स के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहां जाकर हमने कुछ देर रेस्ट किया। जहां पर हमने रेस्ट किया, रील्स बनाई, सेल्फी क्लिक की और चल दिए खाने पीने के लिए। फिर हमने खाई एक टेस्टी सी सॉफ्टी और चल दिए खाने पीने के रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने। और हाँ, ये रेस्टोरेंट सिटी पैलेस के अंदर ही है। रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते करते हम आ गए पालकी खाना, जिसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। सिटी पैलेस में इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप राजस्थानी फूड दाल बाटी चूरमा इंजॉय कर सकते हैं। पेट पूजा के बाद हम चल दिए मानेक चौक की तरफ। मानेक चौक देखने में काफी आकर्षक है। सिटी पैलेस बहुत ही बड़ा है, जहां पर आप अपना फुल डे स्पेंड कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर 1 से 2 आवर्स स्पेंड किया और आगे चल दिए। मानेक चौक देखने में काफ़ी सुंदर है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। आसपास बगीचे बने हुए हैं और काफ़ी लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। मानक चौक में मेवाड़ के राजा आम जनता के लिए दरबार लगाते थे और यहाँ पर दशहरा भी मनाया जाता था। और हाँ, यहाँ पर हाथियों की लड़ाई के खेल भी हुआ करते थे। हमें पता चला आज के टाइम पे यहाँ पर स्कूल हैं जिसमें शहर के बच्चे पढ़ते हैं, और आसपास म्यूज़ियम भी हैं और कुछ दुकानें भी हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए सिटी पैलेस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए। यहाँ से हमने एंट्री टिकट ली, जिससे हम लेक पैलेस, जल महल, लेक पिचोला, बोटिंग राइड आदि देख सकते हैं। टिकट लेके हम चल दिए गेट के अंदर। यहाँ से लेक पिचोला भी दिखती है, जो कि उदयपुर की वन ऑफ द फेमस लेक है। तो हम चल दिए मंजिल की तरफ। मंजिल बहुत सुहानी थी, जैसा कि आप सब वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर आप चल चल कर थक गए हैं तो आगे घूमने के लिए इस राइड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके चार्जेस अलग से पे करने होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं फतेह प्रकाश पैलेस की तरफ। इस पैलेस को अब एक होटल में बदल दिया गया है और ये होटल अक्सर सेलिब्रिटीज़ की शादियों में इस्तेमाल होता है। सिटी पैलेस अक्सर फिल्मों में भी देखा जा सकता है। सलमान खान की फेमस मूवी प्रेम रतन धन पायो के गाने की भी शूटिंग यहाँ हुई हुई है। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज़ जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की भी शूटिंग यहाँ पर हुई हुई है। सिटी पैलेस घूमते घूमते हमें दिखा लेक पिचोला का व्यू, जो काफ़ी अमेजिंग था। वो देखिए, लेक पिचोला में जग पैलेस दिखाई दे रहा है, जो देखने में काफ़ी ही सुंदर है। जग पैलेस बहुत ही नामों से प्रसिद्ध है, जैसे कि जग मंदिर या जग आइलैंड पैलेस। झीलों के बीच बसा सिटी पैलेस अपनी ऐतिहासिक स्मारक और शाही परिसर के लिए काफ़ी ही फेमस है, जिसे देख के मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा मन कर रहा था कुछ और टाइम यहाँ हम स्पेंड करें, लेकिन आगे तो जाना ही था, तो हम चल दिए आगे की तरफ। तो बड़ा अच्छा है। वाओ, क्या सुंदर फूल है। हाँ हाँ, यहाँ पूरा देख सकते हैं। अच्छा हुआ अभी देखते हैं। इस
ब्यूटीफुल से व्यू को हम भी एंजॉय कर रहे हैं और आप भी करिए। जग पैलेस यहाँ सर है। अच्छा जगदीश मंदिर की जग मंदिर आपको जाना कहाँ है? जग पैलेस होटल में जाना है ना। हाँ मैडम उधर आ जाइए, फोटो लाओ जी। ये जग मंदिर आयरन पैलेस उदयपुर, ये है वो है जी। तो उसे घूम लेते हैं। अच्छा बोटिंग, वाओ। तो दूर से ले लेती हूँ, कोई बात नहीं है। दूर से ले ले, दादा क्या है? ये वही है। ये सिटी पैलेस का सुंदर सा गार्डन है, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। वाओ अंदर देखो, यही तो पार्क वार्क में बोला है ना टिकट के लिए। अभी यही करते हैं ना, कल जाएंगे हम। ये बहुत अच्छी, ये पूल मैंने देखे हुए हैं, इसके अंदर कुछ होता था हम खाते थे। चलो आओ ऐसे करें। चलो हो, ये तो वही वाले फूल दिख गए मुझको, बहुत पहले वाले। कुछ समय पार्क में बिताने के बाद हमने सिटी पैलेस को बाय बाय किया और आगे चल दिए एग्जिट गेट पर। चलो हाँ यार मुझे भी पिचोला लेक एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक यहाँ बैठ के ले ले। हाँ लो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर यहाँ आ जाओ, यहाँ फोटो भी बड़ी अच्छी आएगी। यहाँ का व्यू काफी अमेजिंग था और रील्स बनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट।
आप भी यहाँ आए तो अपनी रील्स जरूर बनाएं। यहाँ से बड़ी अच्छी आ रही है। पैदल चल चल कर हम थक गए थे तो हमने ली ऑटो राइड और चल दिए सिटी पैलेस के एग्जिट गेट की तरफ। रास्ते में हमें दिखे क्यूट से मंकीज जो कि उछल कूद कर रहे थे, देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। सिटी पैलेस के एग्जिट पर ही है लेक पिचोला बोटिंग पॉइंट। तो हमने ली बोट राइड के लिए टिकट काउंटर से टिकट और चल दिए लेक पिचोला में बोटिंग करने के लिए। शेयर्ड बोट में बैठने के लिए हमने पे किया 180 रुपीस पर पर्सन। ये देखिए बोट पॉइंट को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। टिकट चेक करा के हम बैठ गए बोट में। हमने पहनी सेफ्टी जैकेट और चल दिए बोट राइड का आनंद उठाने। इस झील के अंदर और इसके आसपास कई शानदार महल बने हुए हैं जहां पर फिल्मों की भी शूटिंग होती है। लेक के आसपास की हरियाली हमें खूब पसंद आई। ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ से आइलैंड और महल भी दिखाई देते हैं। यहाँ से सनराइज एंड सनसेट का ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। बहती हुई लहरें, सुंदर नजारे देखने लायक है, काफी मनमोहक व्यू है। वाओ क्या व्यू है। वो देखिए अम्बराई घाट जिसका व्लॉग जल्द ही आने वाला है। बोटिंग करने में हमें कुल 20 से 30 मिनट लगे। जब आप पिचोला लेक जाएं तो बोटिंग जरूर करें। और हाँ, ये लेक पिचोला बोटिंग पॉइंट गवर्नमेंट का है और इसके अलावा एक और बोटिंग पॉइंट है जो कि
सिटी पैलेस के अंदर है जो कि प्राइवेट है। तो आ गए हम बोट राइड करके, बड़ा मजा आया। फिर हमने खाई कुल्फी और चल दिए कैमल राइड के लिए। और हाँ, ये सब फन एक्टिविटीज पिचोला लेक के पास में ही है। कैमल राइड के पर पर्सन 100 रुपीज चार्जेस हैं। तो हम ऊंट पर सवार होके चल दिए कैमल राइड का लुत्फ उठाने। कैमल गाइड से आप झील के पास अपनी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं, जैसे कि हमने भी करवाई। कैमल राइड के बाद हमने खाया बोरसी में कोयले पर भुना हुआ भुट्टा, जो बहुत ही टेस्टी था। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये भी ले ले। भुट्टा खाने के बाद हमने राजस्थानी एथनिक ड्रेसेस में लेक के पास कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। ये पिक्चर्स आप टू वे में क्लिक करा सकते हैं, या तो सिर्फ राजस्थानी एथनिक ड्रेस पहनकर या तो पगड़ी पहनकर। हमने दोनों में क्लिक कराई है। उदयपुर में राजस्थानी ड्रेस पहनकर झील के पास फोटो क्लिक कराना तो बनता ही है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि हम एथनिक ड्रेस पहनकर कैसे लग रहे थे। ये सब करते करते हो गई शाम और वहाँ का व्यू हो गया अमेजिंग। तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए और मैगी खाई जाए। तो हम चल पड़े चाय और मैगी लेने। हमने ली कुल्लड़ वाली चाय और साथ में वेजिटेबल मैगी। अंकल ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई। तो आप भी जब वहाँ जाएं तो इनसे चाय और मैगी जरूर ट्राई करें। ये देखिए अंकल पीतल के टोपिए में चाय बना रहे हैं, जिसे देखकर बचपन की यादें ताजा हो जाती है। फिर हमने लेक पर बैठकर चाय और मैगी का आनंद उठाया। हम चाय और मैगी खाकर आपसे मिलते हैं। झील पर मम्मी के हाथ से मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा और मम्मी के हाथ से मैगी, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। शाम का व्यू और जग महल काफी सुंदर नजारा था। तो अगर आप जग महल जाएंगे
तो मैं रेकमेंड करती हूँ शाम को विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर लाइटनिंग बहुत ही अमेजिंग लगती है। कुछ देर और रुकने के बाद हम चल दिए गुलाब बाग रोड की तरफ, तो हमें दिखा आइसक्रीम का फूड ट्रक। तो हमने सोचा क्यों ना एक एक आइसक्रीम ही खा ली जाए। हमने ली एक फलूदा आइसक्रीम विद चिया सीड्स, जो खाने में काफ़ी टेस्टी थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम चल दिए पास के रेस्टोरेंट में, जिसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। रेस्टोरेंट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर विजिट करना। ये उदयपुर के गुलाब बाग रोड का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। हमने ऑर्डर किया चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, जो कि काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पर अनलिमिटेड फूड के भी काफ़ी ऑप्शन है, तो अगर आपको ट्राई करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हाँ कमेंट भी करिए। फिर मिलेंगे उदयपुर के नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।